दोस्तों आज बात करते हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान की। दोस्तों करीना कपूर ने अपने पति सैफ अली खान को दे दी है चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, करीना कपूर ने सैफ को दी खुले आम चेतावनी, और चेतावनी देने की वजह भी काफ़ी अजीब है जिसे जानकर आप हंसते रह जाएंगे। तो आइए दोस्तों आपको बताते हैं इस खास रिपोर्ट में कि आखिर क्या है वो चेतावनी। दोस्तों बॉलीवुड की बेबो यानी कि करीना कपूर खान और सैफ अली खान की जोड़ी लोगों की फेवरेट जोड़ीज में से एक है। दोनों ही दमदार एक्टर होने के साथ साथ बेबाक और काफ़ी बिंदास हैं, और हाल ही में करीना ने अपने पति के लिए कुछ ऐसा कहा जो आपको हंसने पर मजबूर कर देगा। दोस्तों आपको याद दिला दें कि करीना कपूर और सैफ अली खान के दो बच्चे हैं, तैमूर और जय। दूसरे बच्चे के पैदा होने के बाद करीना कपूर ने एक इंटरव्यू में अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर कुछ मज़ेदार खुलासे किए थे, और इस दौरान करीना कपूर ने सैफ अली खान के पिता बनने को लेकर भी बात की थी। दोस्तों आपको बता दें कि सैफ अली खान की पहली बीवी अमृता सिंह से भी उन्हें दो बच्चे हैं जो सारा अली खान और इब्राहिम अली खान हैं, और इन्हीं सब पर करीना कपूर ने एक मैगजीन से बातचीत करने के दौरान एक किस्सा सुनाया। उन्होंने बताया कि सैफ अली खान का हर दशक में एक बच्चा होता है। सारा अली खान 20s में, अब्राहम 30s में, तैमूर 40s में, और अब जय 50s में। इसलिए मैंने उनसे कहा है कि 60s की उम्र में ऐसा सोचना भी मत। दोस्तों करीना की ये चेतावनी सैफ के लिए काफ़ी अच्छी थी। इसी बातचीत के दौरान करीना ने अपने पति सैफ अली खान की बतौर पिता भी तारीफ की। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि सैफ जैसा सोचने वाला इंसान ही चार बच्चों का पिता हो सकता है जो अलग अलग स्टेज में है। वह अपना समय उन सभी को देते हैं, और अब जय के साथ हम सभी संतुलन करने की कोशिश करते हैं। हमने डिसाइड किया है कि जब किसी फिल्म की शूटिंग वह करेंगे तो उस समय मैं काम नहीं करूंगी। दोस्तों सैफ के सभी बच्चों का आपस में तालमेल और प्यार देख हमें बड़ी खुशी होती है। और वहीं बात करें दोनों के वर्क फ्रंट की, तो सैफ और करीना दोनों ही अपनी आने वाली फिल्मों को लेकर काफ़ी चर्चा में हैं। करीना कपूर लाल सिंह चड्ढा में आमिर खान के साथ नजर आएंगी, और वहीं सैफ अली खान प्रभास के साथ आदि पुरुष में नजर आएंगे।